चाहे ऋषि कपूर हो या फारूक अब्दुल्ला हो, इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये हिंदुस्तान का खाते हैं और गीत पाकिस्तान के गाते हैं, इनका दिल पाकिस्तान में पड़ा होता है। इनकी जो सहानुभूति है हिंदुस्तान के साथ नहीं है, इनकी पाकिस्तान के साथ है। और जो कश्मीर की स्थिति इस समय है ना, ये गांधी और नेहरू खानदान के बीज बोए हुए हैं, इन्होंने समस्या पैदा की है। फारूक अब्दुल्ला जी, 3 पीढ़ी तुम्हारी शासन की है, तुम जिम्मेदार हो, और इस जिम्मेदारी को तुमने निर्वाह किया। आज जो हालात है, ये कश्मीर के अंदर गांधी नेहरू ने बीज बोए, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों ने खाद पानी दिया, कांग्रेस ने हवा दी, और आज इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया कि उसको काटना बहुत मुश्किल हो गया। आतंकवादी वहां, अलगाववादी वहां समस्या पैदा करे, ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों की देन है। अकबर कौन था, बाबर कौन है, लुटेरा है, आतताई, अत्याचारी, बलात्कारी है। इसलिए उनको आखिर इतिहास में क्यों पढ़ाया जाए? खिलजी को नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना है तो महाराणा प्रताप, पढ़ाना है तो छत्रपति शिवा को पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए मुगलों को? कारण वो आतताई थे, दुराचारी थे, व्यभिचारी थे, लुटेरे थे, आतंकी थे। उनका इतिहास पढ़ा करके क्या करोगे? बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? देखिए, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, मीडिया को केवल और केवल कुछ न कुछ चाहिए टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये चुनावी मुद्दा कतई नहीं है। राम मंदिर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। संसार की कोई ताकत राम मंदिर को छीन नहीं सकती। क्यों नहीं बन पा रहा है? बनेगा, अभी 2018 में राम मंदिर बनने जा रहा, वहां पत्थर तराशे जा रहे, मीडिया दिखा नहीं रही है, केवल उसे भव्यता प्रदान कर रही है। 2018 में हमारा वायदा है, राम मंदिर बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। सीडी दिखाना, चोरी से किसी के करेक्टर असेसिनेशन करना, कुछ झूठा प्रचार करना, ये बीजेपी बहुत उसमें होशियार पार्टी है। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि उन्हीं के किसी समर्थक ने या उन्हीं के लोगों ने कहीं से निकलवा करके चुनाव के दौरान की है। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है, सीडी क्या है, सीडी में क्या है, मैं नहीं जानता ना मैंने देखा है, लेकिन सीडी से ज़्यादा लोग जीएसटी और भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं। वहाँ लोग नोटबंदी से परेशान हैं, जीएसटी से परेशान हैं, और जो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, बाजार को ध्वस्त किया है, व्यापारियों के सामने संकट पैदा किया है, उससे ज़्यादा परेशान हैं लोग। सीडी से परेशान हो ना हो, लेकिन बीजेपी से गुजरात में लोग परेशान हैं, और वो वोट पड़ने जा रहा है। उनके गुस्से का परिणाम यह है कि बीजेपी को जीएसटी में संशोधन करना पड़ा है, और एक बार संशोधन नहीं किया है, कई बार संशोधन किया है, और अलग बैठा कर भी व्यापारियों को संशोधन का आश्वासन दे रहे हैं कि हमें गुजरात जिता दो, आप जैसा जीएसटी चाहोगे हम वैसा जीएसटी बना देंगे। फिल्म के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते कि हिस्ट्री क्या है। बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा हिस्ट्री को समझते हैं, जानते हैं, छेड़ने का काम भी करते हैं। अब उन्हीं के सेंसर बोर्ड ने पास की है फिल्म देखने के लिए। मैं समझता हूँ सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार बोल सकती है। आम मंत्री और प्रशासन पूरा लगा हुआ है बीजेपी को जिताने में, लेकिन हमने अपना चुनाव निकाय का अपने संगठन पे छोड़ा है। कम से कम हमारा संगठन देखो कैसे काम करता है। हमने अपने सभी विधायकों से, सभी संगठन के पदाधिकारियों से, जिम्मेदार नेताओं से ये निवेदन और अपील भी की है कि अपनी अपनी जगह समाजवादी पार्टी को कितना जिता सकते हैं उन्हें जिताने में सहयोग करें, उन प्रत्याशियों की मदद करें। तरीके से माहौल रहा है आज के 7-8 महीने पहले उत्तर प्रदेश में जो माहौल रहा है, उसके सापेक्ष बात कर रहे थे कि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब राम राज्य आ गया है, और धीरे धीरे जो बचे कुचे जगह है वहाँ पर भी राम राज्य आ गया। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि बातचीत से हम हल करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बहुत खुले तौर पर बोला कि हम बातचीत से हल करेंगे, वो प्रोसीडिंग्स चल रही है और बातचीत से हल